अगर गाइज आप YouTube पर नए हैं और अभी अभी आपने अपना चैनल स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मेरा तो 0 सब्सक्राइबर है, मुझको अपने जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उस पर मुझे व्यूज कैसे लाने हैं। दोस्तों यही सवाल जो नए क्रिएटर होते हैं, नए क्रिएटर के दिमाग में आता है। दोस्तों आपकी इसी समस्या का समाधान मैं अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि मेरे इस टिप्स ने आपकी वीडियो में काम किया है या नहीं किया। दोस्तों ये आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube पर जब हम पहला वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उस पर बिना सब्सक्राइबर के, यानी अगर आपके 0 सब्सक्राइबर है तब भी आपके वीडियोस पर व्यूज आएंगे, और कैसे आएंगे ये वीडियो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, जो टॉपिक्स आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो और ट्रेंड में चल रहा हो आपको वो टॉपिक चुनना है। दोस्तों किसी भी वीडियो को चलने में कंटेंट और टॉपिक्स, ये दो चीज ज्यादा काम में आती है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक पर वीडियो बनाना है अच्छे से। अच्छे से वीडियो बनाने के बाद उसको अच्छे से एडिट करना है और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है दोस्तों। और दूसरा जो काम करना है वो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से थंबनेल बनाना है, प्यारा सा थंबनेल बनाना है जिसको देखकर आपके जो व्यूअर्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब यूट्यूब आपके वीडियो को पब्लिक के सामने भेजता है तो वे आपकी वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे या क्यों देखेंगे, ये फैक्टर भी मैटर करता है। दोस्तों कोई भी इंसान आपकी वीडियो को तभी देखता है जब आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा हो। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई आप अपना किसी बिजनेस में कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी रखते हैं लेकिन आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से अगर उसका 1000 रुपये दाम रखते हैं तो जब उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाते हैं तो दोस्तों वो आपका 1000 रुपये में नहीं बिकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में बिकता है। इसका दोस्तों रीज़न क्या होता है, ये रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब हम किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी तो उसकी अच्छी रख लेते हैं लेकिन अगर उसकी हम पैकिंग अच्छे से नहीं करेंगे, पैकिंग अगर ऐसी नहीं बनाएंगे जिससे कस्टमर को पसंद आए, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट अपने दाम में नहीं बिकता। दोस्तों यही हमारी YouTube वीडियो में होता है, हम कितना भी अच्छा वीडियो बना लें, कितना भी अच्छा क्वालिटी दे लें लेकिन अगर हम कोई अच्छा थंबनेल नहीं बनाते हैं तो हमारी जो वीडियो है उस पर व्यूज नहीं आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा फैक्टर यही काम करता है कि हमको ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना है और उसके साथ एक अट्रैक्टिव थंबनेल भी बना। तो आपने ये दोनों चीजें तो समझ ली है कि आपको किस तरह वीडियो बनानी है और किस टॉपिक पर बनानी है, ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनानी है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको थंबनेल ऐसा बनाना है कि जब व्यूअर्स आपके वीडियो को देखने के लिए आए तो वो मजबूर हो जाए आपकी वीडियो पर क्लिक करने के लिए और आपकी वीडियो को देखे। दोस्तों ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको अपनी वीडियो में करनी है और इससे आपके वीडियो पर व्यूज आते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको समझना जरूरी है। दोस्तों हम कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा वीडियो बना ले, कितना भी अच्छा थंबनेल बना ले, लेकिन अगर हमारा वो चीज किसी के पास जाएगा नहीं तो हमारे वीडियोस पर व्यूज कैसे आएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और हमको वीडियो को पहुंचाना कैसे है लोगों के पास, ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने वीडियो के साथ जो वीडियो का SEO होता है YouTube पर वो अच्छे से करना होगा, सही से टाइटल लगवाना होगा, सही से थंबनेल लगाना होगा और डिस्क्रिप्शन ये और टैक्स वगैरह आपको सही से अच्छे से लगाना होगा, तभी दोस्तों आपका वीडियोस सब पब्लिक के पास जाएगा और पब्लिक आपके वीडियो को देख पाएगी। दोस्तों अगर पब्लिक को आपका कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों पब्लिक आपके वीडियो को देखने के लिए दोबारा भी आती है दोस्तों, और जिस पब्लिक ने आपके वीडियो को देखा है वो आपके अगले वीडियो का इंतजार भी करते हैं और आपके वीडियो में अगर दम है, कंटेंट में आपके दम है तो वो आपके वीडियो को भी जरूर देखते हैं। अगर आप वीडियो में बताए गए आप इन तीन टिप्स को फॉलो करेंगे तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके 0 सब्सक्राइबर भी होंगे तो दोस्तों आपके वीडियोस पर जरूर व्यूज आएंगे। दोस्तों ये आजमाई हुई और मेरी खुद की एक्सपीरियंस वाली बात है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं भी एक नया यूट्यूबर हूं दोस्तों और मुझको भी आपके सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि मेरे जब 0 सब्सक्राइबर थे तो कैसे मैंने अपने वीडियोस पर व्यूज लेके आया था। मेरे 0 सब्सक्राइबर तब भी मेरे वीडियोस पर व्यूज आते थे। दोस्तों ये
टिप्स आप आजमाइए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके वीडियोस पर व्यूज जरूर आएंगे। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटे का जो बटन है उसको दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है आने वाली, वो उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास चला जाएगा और आप मेरी वीडियोज का लुत्फ उठा पाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।